ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने मुझसे अभी तक ये पूछा है कि अब क्या करना है, 40 दिन बच गए हैं एग्जाम के, तो इस टाइम पे तैयारी कैसे करनी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि अब तैयारी कैसे करनी। तो ये समझने के लिए कि अब तैयारी कैसे करनी है आखिरी के 40 दिनों में, आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो तो एग्ज़ाम हॉल में एक्चुअली में होता क्या है। आपके सामने क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो मल्टीपल चैप्टर्स के होते हैं, अलग अलग चैप्टर का मिक्स होता है। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ के अब आपके दिमाग में तीन तरीके से वो आंसर आता है। या तो आपको डायरेक्टली पता है क्योंकि वो क्वेश्चन आपने देखा हुआ है, तो आप उसका आंसर डायरेक्टली लिख देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपको पता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उसको प्रेजेंट करने के लिए, या फिर उसके आंसर में एग्जैक्टली आप क्या लिखना चाहेंगे उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी वो होती है कि आप कुछ चैप्टर शायद समझ आ गया है कि वो कहाँ से आया हुआ है, लेकिन यू आर क्लूलेस, आपको अभी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो डायरेक्टली अब आपको पूरा सोचना पड़ेगा कि मैं किस टॉपिक से इसको रिलेट करूँ और इसका आंसर फिर कैसे प्रेजेंट करूँ। ये तीसरी कैटेगरी। और इसके अलावा चौथी कैटेगरी भी होती है। चौथी कैटेगरी में बच्चे को पता ही नहीं होता कि क्या ये इस सब्जेक्ट का है क्या ये क्वेश्चन, ऐसा भी आता है। तो अभी उसके बारे में फिलहाल नहीं बात करेंगे, हम उन तीन कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे कम टाइम आपको तब लगता है जब वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ जाता है। यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आता है तो आपको सबसे कम टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, प्लस आपका प्रेजेंटेशन नेचुरली ही अच्छा हो जाता है क्योंकि आपने वो क्वेश्चन देखा हुआ है ऑलरेडी। सेकेंड वाली कैटेगरी वो भी ठीक है, जहाँ पे कि आप उसको थोड़ा सा रिलेट करके लिखते हैं। और थर्ड कैटेगरी में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, जब आपको उस क्वेश्चन के बारे में शायद आइडिया तो है लेकिन आपको अभी सोचना पड़ेगा पूरा कि वो कैसे रिलेट करना है। अब आप सोचिए, यदि आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस पहली कैटेगरी में हो तो क्या आपका पेपर जल्दी होगा? बिल्कुल होगा। क्या आपका पेपर ढंग से प्रेजेंटेड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। यदि आपकी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस हों जो डायरेक्टली आते हैं, और थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी हों जो सेकेंड कैटेगरी के हैं, जो कि आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कैसा करना है वो सोच के आपको लिखना है, तो भी आपका पेपर जल्दी होगा। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थर्ड कैटेगरी में आ गए, तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि अब तो आपको हर एक क्वेश्चन सोचना भी पड़ रहा है, रिलेट भी करना पड़ रहा है, प्रेजेंट कैसे करने हैं ये भी आपका दिमाग उसी वक्त सोच रहा है, और आपको 3 घंटे के अंदर वो पेपर पूरा भी करना है। और आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम जब देने जाते हैं तो काफ़ी सारे प्रेशर बच्चा दिमाग पे लेके जाता है, क्योंकि एक लोड बना दिया गया है उनके दिमाग में पहले से कि 12th इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल ईयर, वेरी क्रूशल ईयर, जो कि सही भी है, क्रूशल है, लाइफ चेंज होगी, कॉलेज में जाएंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब कुछ रिजल्ट पे भी बेस होता है काफ़ी हद तक। तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रेशराइज ऑलरेडी फील कर रहे होते हैं, जो कि जायज़ है, होना चाहिए उतना प्रेशर तो। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम अपने पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को किस कैटेगरी में रखना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है आपको, यदि आप अपने सारे क्वेश्चंस पहली और दूसरी कैटेगरी में ला पाएं तो मेरे ख्याल से आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अब देखिए, सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट जिसपे भी इंग्लिश भी आप देखो, इंग्लिश का 80 मार्क्स का पेपर है इस साल। 80 मार्क्स के पेपर में लिटरेचर का सेक्शन, आपको यदि स्टोरी पता है पहले से, आपको पता ही है कि वो क्वेश्चन वहाँ पे क्या आने वाला है, और यदि अभी फिर भी आप ना उसको पढ़ के जाओ तो आप अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो इंग्लिश के पेपर में करीबन 50 से 55 नंबर का, 50 to 55 मार्क्स का ऐसा पोर्शन होता है जो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या लिखना है, या तो आपको उसका फॉर्मेट पता है या तो आपको उस प्रोसीजर पता है, इसीलिए वो आपका पेपर 3 घंटे में पूरा हो पाता है। क्योंकि पैसेज तो डेफिनेटली अनसीन ही आएगा, वो तो उसी वक्त आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि पैसेज जैसी सारी चीज़ें आ जाएं पेपर में, जो कि ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनियसली आपको सोचनी है, तो मुझे लगता है कि आपका पेपर 3 घंटे में नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा, शायद सभी का ना हो। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पेपर का करीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा पता है कि वहाँ पे क्या आंसर लिखना है, वहाँ पे क्या फॉर्मेट बनाना है। सेम गोज़ फॉर अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स वगैरह। यदि आपने कोई डायग्राम, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना है, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको सोचना ही पड़ जाए कि वो क्वेश्चन किस बारे में, तो फिर आपका पेपर 3 घंटे में पूरा नहीं हो पाए। अब ये पेपर को पहली और दूसरी कैटेगरी में लाने के लिए क्या किया जाए? तो
पहली और दूसरी कैटेगरी में लाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अभी पढ़ने हैं। इन 40 डेज में आपका काम है कि जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में है, हर टॉपिक के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि पहले पूछे गए हैं आप उनको पढ़ें। आप देखिए एक बार सीबीएसई का पैटर्न, या फॉर दैट मैटर किसी भी बोर्ड का पैटर्न, उन्होंने पिछले 10 से 15 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। आप 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से टॉपिक निकालिए, किताब के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे वहाँ। तो अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने हर एक टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है। तो आपके पास इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, आपको इसको एज ए एडवांटेज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसका क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो फिर आप बिना क्वेश्चन देखे क्यों जा रहे हैं एग्जाम में? यू आर ऑलरेडी अनप्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम इफ यू आर नॉट सीइंग द क्वेश्चंस। सो प्लीज प्लीज चेक ऑल द क्वेश्चन पेपर्स जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं। इवन सैम्पल पेपर्स भी जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आइडिया आएगा। बिजनेस स्टडीज में या एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चे परेशान होते हैं कि केस स्टडीज आती है, तो केस स्टडीज आती हैं, वो आपको परेशान इसलिए करती हैं क्योंकि आपने केस स्टडी सॉल्व नहीं की खुद। अभी तक क्या हुआ, टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, आपने उस क्वेश्चन का आंसर, आपको नहीं आया, टीचर ने आंसर बताया, आपका हो गया काम। इस तरीके से करोगे तो आपकी सेल्फ स्टडी तो हुई नहीं, आपने तो खुद, तो आपके दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर नहीं हुई कि केस से आंसर तक पहुँचे कैसे। तो बेटर होता है यदि आप 10 अलग अलग केस पढ़ लें और उनके आंसर क्या हो सकते हैं खुद दिमाग से सोचें, और यदि वो आंसर आपको सही आ भी गया तो भी, या गलत भी आ गया तो भी, सिखा के बहुत कुछ चला जाएगा। यही सेल्फ स्टडी की स्पेशलिटी। यदि आपको लग रहा है कि अभी कोई टीचर आपको 2 या 4 घंटा बिठा के पढ़ाएगा, कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सुबह से लेके शाम तक टीचर के साथ ही बैठे हैं, रात तक भी बैठे हुए हैं, टीचर का रिविजन बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, क्योंकि टीचर 50 बार एक ही चीज़ बता रहा है। लेकिन आपकी पढ़ाई का क्या, क्योंकि ये पढ़ाई आप ही के बारे में, आप पेपर में बैठे होंगे और आप ही को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचना है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि कोई आपको बताएगा और आपको ज़्यादा याद रह जाएगा, तो शायद आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा याद रह जाए, लेकिन एग्जाम में लिखना क्या है वो आपको तभी ढंग से याद रहेगा जब आप उसको खुद पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, और हाँ फिर आपके डाउट्स आएंगे तो आप डेफिनेटली टीचर से कंसल्ट करें, आप अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन डाउट्स निकालने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये तो पूरा टॉपिक ही डाउट है, इसमें तो कुछ भी नहीं समझ आया। ये ऐसे शायद 2-4 टॉपिक हों, लेकिन सारे ऐसे टॉपिक्स नहीं हो सकते। कल को तो आप बोलेंगे कि पूरी किताब ही डाउट है। ये किताब का डाउट शायद अभी आज टीचर लेके बैठ जाए, पूरी किताब भी समझा दे, उससे आपको फायदा बिल्कुल नहीं होगा। आपको फायदा तभी होगा क्योंकि किताब तो टीचर ने पहले भी पढ़ाई है ना, साल भर से यही तो कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे, तो फिर अभी तक आपको क्यों नहीं समझ आया? और अब पढ़ा देंगे तो सारा का सारा याद रह जाएगा क्या आपको? और याद रह जाएगा वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है उस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये जब आप लिखा हुआ देखते हैं तभी आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो सुन लिया मुझे याद रह जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो सुनने के बाद भी उसको खुद लिखना जरूरी है, उसको खुद बना के देखना जरूरी है। वो ग्राफ उसने बनाया है, आपने नहीं बनाया। तो जो टीचर ग्राफ आपके सामने या तो कंप्यूटर में या तो फिर आपके सामने बोर्ड पे बना रहा है, टीचर का रिविजन बहुत अच्छा हो रहा है। 99% टीचर्स को सारे ग्राफ बाय हार्ट होंगे क्योंकि उनका रिविजन बहुत अच्छा हो चुका है, आपका नहीं हुआ। और ये एग्ज़ाम आपके बारे में, इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते, आप उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा स्टडी कर लें, उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी है, खुद देखने जरूरी है, खुद बना के देखना जरूरी है। जो टॉपिक्स आपको आते हैं उनमें से पिछले सालों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आपको पूछना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप देखोगे, जितना ज्यादा आप लिखोगे, उतना ही ज्यादा आपको ध्यान रहेगा। इस बात को बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत जरूरी बात है। और यही की है, और ये आपको एक एज ए टीचर नहीं बता रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब खुद अपने एग्जाम्स देता हूँ तो मेरे एग्जाम्स में भी मुझे इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि क्या आई हैव स्टडीड द टॉपिक, इफ आई हैव रेड द टॉपिक, आई हैव सीन द क्वेश्चन पैटर्न, तो देन डेफिनेटली आई विल बी एबल टू राइट द आंसर्स। बट इफ एट ऑल आई हैव नॉट सीन द क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन द टॉपिक्स, बट आई हैव हर्ड इट समवेयर, इट विल कंज्यूम माई टाइम ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स। उन 3 घंटे में वो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे क्वेश्चंस जिनको मैंने शायद पहले कभी देखा नहीं है। यदि आप ज़्यादा, कुछ बच्चे जो 50-60 तक आने का सोच रहे हैं उसमें भी शायद खुशी
मना रहे अपनी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है अपने परसेंटेज को बढ़ाने का। बढ़ते हैं तो कुछ बुरा नहीं है ना, 50 में खुश हो तो 70 में भी खुश ही रहोगे, अच्छी बात है। और जो बच्चे 80-90 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर टॉपिक खुद ही पढ़े, और जो भी 90+ टारगेट कर रहे हैं वो तो एक पॉइंट का भी रिस्क नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक खुद देखें। जितना ज़्यादा आप खुद से करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। ये कोई नई चीज़ मैंने नहीं बताई है, बिल्कुल पुरानी चीज़ है, पहले से सभी बता रहे हैं, ये चीज़ करनी ज़रूरी है। तो अभी मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ, फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोबारा बच्चों ने पूछा, इसलिए मैंने अभी बता दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ यहाँ से समझ ही आ जाएगी, हो सकता है बाद में आपको 2 साल बाद 3 साल बाद ये चीज़ रियलाइज़ हो, लेकिन मैं आपको एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ कि बहुत हेल्प मिलेगी यदि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी ही प्रैक्टिस करें। यही है अभी का काम, अगले 30-40 दिन में यही काम आपको करना है। बाद में जो रिविजन का टाइम रहेगा उस टाइम पे आपको सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, तो तब आप ये क्वेश्चंस देखने का लिखने का, मैंने देखा है कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हम तो एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस देख लेंगे। एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन तो देख लोगे लेकिन एग्जाम टाइम पे उसके सॉल्यूशन नहीं सोच पाओगे, और जब उसके सॉल्यूशन नहीं सोच पाओगे तो दिमाग में वो चीज़ें रजिस्टर नहीं होंगी, और जब तक वो दिमाग में बैठ ना जाए वो आपको हेल्प नहीं करेंगी। इसलिए आपको हर एक डायग्राम हर एक क्वेश्चन खुद बना के देखना है, और यही काम अभी का है। बाकी अगले डाउट्स के लिए आप पोस्ट भी कर सकते हैं, और मैं फिर से कुछ वीडियो बना दूंगा उसके लिए, लेकिन तब तक के लिए आप इस चीज़ पे वर्क करें, डू इट योर सेल्फ, खुद करें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, और खुद करने के बाद आप डाउट्स डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछना चाहिए, डाउट्स पूछना ही चाहिए, लेकिन वो पढ़ने के बाद वाले डाउट्स पूछने चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक देखा पूछ लिया बस, हाँ ये तो मुझे नहीं समझ आया तो मुझे समझा दो, उससे आपको ध्यान नहीं रहेगा। यदि कहीं से कोई समझा भी रहा है तो आप तुरंत उसके क्वेश्चंस वगैरह जाके देखिए, खुद एक बार लिख के देखिए। इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग इट ऑन योर ओन, इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, खुद करते हैं, उनका स्कोर हमेशा ही दूसरे बच्चों से ज़्यादा रहता है। थैंक यू।